श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शुभारंभ किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, सिख समाज के वरिष्ठ समाज सेवी पूरन सिंह, हरि राम दास महाराज, राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी सतीश राठौर, संत मोहित राम पाठक के द्वारा बस स्टैंड पर श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण रथों को भगवा ध्वज लहराकर जिले भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इससे पहले रथों के सारथियों को तिलक करण कर स्वागत सम्मान कर बधाई दी गई। भगवान श्री राम की कृपा से वह योग बना है, इससे बढ़कर के हमारा सौभाग्य और भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग उनकी सेवा करने के लिए सेवा करने जा रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए और कुछ भी पवित्र दिन नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सब लोग ऋणी हैं और कृतज्ञ हैं, और सबसे मेरी अपील भी है, प्रार्थना है कि हमारा जितना भी सनातन प्रेमी है, जितना हिंदू मानव समाज है, वे सब लोग श्री राम जन्मभूमि के लिए अपना जो भी सहयोग स्वेच्छा से करना चाहते हैं। इसमें स्वेच्छा में व्यक्ति हम अगर राशि बताते हैं तो उससे कम ही सहयोग मिलता है, पर मुझे आशा है, भरोसा है कि हिंदू पहले से ही तैयार खड़ा है कि केवल देने के लिए वो आतुर है, केवल उसके पास पहुंचने वाले की आवश्यकता है। खुशी वाला दिन है, जो भी हमसे सहयोग हुआ हम पूरा सहयोग करेंगे, वो मंदिर जल्दी से जल्दी बनाएंगे। हिंदू परिषद बजरंग दल की भूमिका तो ही लेकिन समाज के समाज का मार्गदर्शन नेतृत्व रहेगा। समाज और हिंदू समाज के माध्यम से ये रामकाज पूर्ण होगा। हम तो सिर्फ सौभाग्यशाली है, गिलेरी की भूमिका विश्व हिंदू परिषद की रहेगी और इस रामकाज में तन से मन से धन से पूरा राष्ट्र और पूरी भारत माता को मानने वाले सभी राम भक्त लगेंगे और इस काज को रामकाज के रूप में कर और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे और भारत का वैभव अमर रहे, इसके लिए पूरा तन मन से पूरा राष्ट्र हिंदू समाज कार्य करेगा। यही इस जन जागृति के अभियान का ये उद्देश्य है। धन्यवाद। जय श्री राम।